नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप। कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही खास दिन, और इस खास दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस खास मंत्र का जाप जरूर करें आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण भगवान के जन्म के समय। तो क्या करें आप जिस समय प्रभु का जन्म हो रहा हो, अर्थात रात के 12 बजे आपको क्या खास करना चाहिए जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु तो सच्ची श्रद्धा से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप कभी भी प्रभु को पुकारें, श्रद्धा के साथ अगर नमन करें तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो खास तौर पे प्रभु के जन्म के समय आपको क्या करना है जानेंगे आज राशि अनुसार। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो मेष राशि है यदि आपकी, तो आप बांसुरी कृष्ण भगवान को जरूर अर्पित करें, मोर पंख कृष्ण भगवान को अर्पित करें और कृष्ण भगवान के जन्म के समय मंगल आरती करें। ऐसा करने से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण इस मंत्र का जाप करें, इससे प्रभु प्रसन्न होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी और अपने कार्यों को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वैसे तो प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन प्रभु के कृष्णा नाम से यदि उन्हें पुकारेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय प्रभु का अभिषेक जरूर करें। यह अभिषेक आप दही से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। पुरुष सूक्त पाठ जरूर करें। पुरुष सूक्त पाठ एक ऐसा पाठ होता है जिस पाठ को करने से लक्ष्मी देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत सारा धन आपको प्राप्त होने लगता है। राधा कृष्ण इस मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। प्रभु के कई नाम हैं, तो प्रभु के जगतनाथ नाम से उन्हें पुकारें, उनकी पूजा करें, ऐसा करने से शुभता बनी रहेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय राधा जी के लिए श्रृंगार जरूर अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, तुलसी जरूर अर्पित करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। और प्रभु को परम पुरुष के नाम से पुकारें, इस नाम से उनकी पूजा करें, इससे विशेष लाभ होगा, आपके कार्य जरूर बनेंगे। और अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय आरती में सम्मिलित जरूर हो। कृष्ण जी को दूध से नहलाएं, दूध और मक्खन कृष्ण भगवान को अर्पित जरूर करें। गोपाला गोपाला इस मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से लाभ होगा। गोपाला गोपाला इस मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से लाभ होगा। और प्रभु को द्वारकाधीश नाम से जरूर पुकारें। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि है यदि आपकी, तो प्रभु के जन्म के समय अर्थात जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे आप महाध्यान जरूर लगाएं। अपने हाथों में मुद्रा, विशेष मुद्रा बनाकर आप महाध्यान जरूर करें, चाहे वह ध्यान थोड़े ही समय का हो, महाध्यान जरूर लगाएं। दाल पूरी राजभोग से प्रभु को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें और 5 तरह के फल प्रभु को अर्पित जरूर करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से लाभ होगा। मथुरा नरेश नाम से पुकारें प्रभु को, ऐसा करने से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय प्रभु को झूला जरूर झुलाएं आप। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाएं और उन्हें वासुदेव के नाम से पुकारें, ऐसा करके विशेष लाभ होगा, आपके कार्य यकीनन बनेंगे। बात करेंगे तुला राशि। आपकी यदि तुला राशि है, तो प्रभु को चांदी की बांसुरी अर्पित जरूर करें। यदि चांदी की बांसुरी अर्पित न कर सके आप, तो कम से कम लकड़ी की बांसुरी कृष्ण भगवान को अर्पित जरूर करें आप।
जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। इस मंत्र का जाप करें, गोपा गोपी ऐश्वर्य, इस मंत्र का जाप करें। गोपा गोपीश्वर्य, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होंगे। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय जय जय श्री कृष्ण इस मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से लाभ होगा। 56 भोग का प्रसाद उन्हें जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके कार्य जरूर बनेंगे। राधे राधे, इस मंत्र का जाप करें। देवकी नंदन नाम से पुकारें प्रभु को। ऐसा करने से आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। और अब बात करेंगे धनु राशि। तो जन्म के समय घर के सभी सदस्यों को मक्खन का प्रसाद वितरित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। दरवाजे पर मंगल कलश स्थापित करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। और प्रभु को पर ब्रह्म नाम से पुकारें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि है यदि आपकी, तो जन्म के समय खीर का भोग अवश्य लगाएं आप। अशोक के पल्लव के पत्तों को आप अपने मुख्य द्वार पर जरूर बांधे। गोपाला गोपाला, इस मंत्र का जाप करें। गोविंदा नाम से पुकारें श्री कृष्ण भगवान को। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, आपके कार्य जरूर बनेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि की। आपकी यदि कुंभ राशि है, तो जन्म के समय कृष्ण भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा करें। ऐसा करके विशेष लाभ होगा। शालिक राम जी की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें। और पारथ सारथी, इस नाम से पुकारें श्री कृष्ण भगवान को। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि है यदि आपकी, तो प्रभु के जन्म के समय गीता का सार जरूर पढ़ें आप। मिश्री का भोग प्रभु को अवश्य लगाएं। ऐसा करके विशेष लाभ होगा। कृष्ण भगवान को झूला जरूर झुलाएं। चांदी की बांसुरी कृष्ण भगवान को अर्पित जरूर करें। मुरलीधर नाम से कृष्ण भगवान को पुकारें, जिससे आपके काम जरूर बनेंगे और कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।